श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणे अनंत श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन। प्राप्तव्य क्या है? धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, आप सोचिए कि आपको क्या चाहिए। किसी का हृदय ऐसा नहीं है कि जिसका हृदय कह दे कि दुख चाहता हूं। यदि किसी को आप देखते हैं कि दुख उठाने के लिए अमुक व्यक्ति तत्पर है, तो आप समझिए कि वह सुख पाने के लिए दुख उठाता है। सभी सुख लाभ के लिए ही काम करते हैं। स्कूल छोड़ने के कई वर्ष पहले मेरे मन में उत्पन्न होता था कि मैं अपने को किस तरह सुखी बना सकूंगा। तो समझ में आया कि ईश्वर की भक्ति में सुख होगा। रामायण का पाठ करने की अभिरुचि मेरे बचपन काल से थी। मैं रामायण पढ़ा करता था, उसमें ईश्वर भक्ति के लिए बहुत प्रेरण है। देह धरे कर यही फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई, और राका पति कोड़स उहाई, तारागण समुदाय सकल गिरिन दवलाई, विनु रवि राति न जाय। ऐसा ही विनु हरि भजन खगेशा, मिटहिन जीवन केर कलेशा। अर्थात ईश्वर भक्ति रूपी सूर्य का उदय हो तो दुख रूपी रात का नाश हो जाएगा। मैं पहले सोचा करता था कि क्या मुझसे परमात्मा भक्ति सध सकेगी, तो कभी पैर ढीला होता था और कभी बल मिलता था। मेरे कई गुरु हुए। मैं जिज्ञासु होकर कईयों के यहाँ गया। सबसे ईश्वर भक्ति की प्रेरणा मिली, कहीं बाहर की भक्ति और कहीं भीतर की भक्ति करने का उपदेश मिला। अंत में यह ज्ञान पाया कि बहिर्मुख और अंतर्मुख दोनों प्रकार की भक्तियों का करना आवश्यक है। प्राप्तव्य क्या है, इसको जानो, फिर उसको पाने के लिए दौड़ो। बिना प्राप्तव्य जाने उसको पाने के लिए दौड़ना बुद्धिमानी नहीं है। ईश्वर क्या तत्व है, इसको जानो। मैं पहले जानता था कि राम ईश्वर है, शिव ईश्वर है। रामायण पढ़ने से राम और शिव दोनों को ईश्वर जानते थे। घर में भगवती की पूजा होती थी तो उनको भी देवी मानता था। फिर गणपत्य और सौर भक्त को भी जानो। फिर समझा कि नरसिंह रूप क्षीर समुद्रवासी साकेतवासी दशावतारी सभी रूप उन्हीं ईश्वर के हैं। ऐसा सुना और कहीं कहीं ऐसा पढ़ा भी। गणेश शिव सूर्य विष्णु दुर्गादि देवियां तथा संपूर्ण चराचर एक ईश्वर के ही रूप हैं, ऐसा भी पढ़ा और सुना है। ईश्वर संबंधी इस ज्ञान पर सहज ही प्रश्न होता है कि ये सभी रूप जिनके वे स्वयं अपने कैसे, उनका स्वरूप कैसा है, वह एक अनेक रूपों में है, वह कैसा, वह कितना बड़ा है अथवा कितना छोटा है, इसको जानने के लिए उत्सुकता आती है। होते होते ऐसे लोगों से भी भेंट हुई जिन्होंने कहा कि किस ख्याल में तुम हो, जिसको लोग ईश्वर कहते हैं वह है ही नहीं है, किंतु इस बात का विश्वास मुझे कभी नहीं हुआ। ईश्वर की स्थिति पर आक्षेपात्मक कितने ही प्रश्न उनके हुआ करते थे जिनका उत्तर देना कठिन होता था, किंतु वे मेरे विश्वास को डिगा नहीं सके। कैवल्य शास्त्र नाम की एक पुस्तक मैंने पढ़ी जिसमें है कि एक आदि तत्व ऐसा है जो अनादि अनंत है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण की चौपाई याद आती है।
व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, एक अनादि अनंत तत्व अवश्य है। यदि इसमें कोई शक संदेह करे तो इसका जवाब है कि यदि सभी शांत ही शांत हैं और एक अनादि अनंत तत्व नहीं है तो सभी शांतों को मिलाने से अनंत नहीं हो सकता, क्योंकि शांत शांत का जोड़ शांत ही होता है, वह अनंत नहीं होगा। तब प्रश्न होगा कि उस शांत तत्व में के पार में क्या है। इसका उत्तर होगा अनंत है, इसके सिवाय और कुछ उत्तर नहीं हो सकता। इस संसार को देखकर लोग भले ही कहे कि संसार बनता और बिगड़ता है, इसके अंग प्रत्यंग बनते और नाश होते हैं, यह अनंत नहीं हो सकता, परंतु यदि कोई उस अनादि अनंत तत्व को प्रत्यक्ष नहीं देख सकता है, इसलिए उसकी स्थिति को स्वीकार नहीं करें, यह ठीक नहीं। सारे शांतों के पार में एक अनंत अवश्य है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकत अपार नेति नेति नित निगम कह। रामचरितमानस। श्रुप अखंडित व्यापी चैतन्य से चैतन्य ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य, बड़ा ते बड़ा छोट ते छोटा मीही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साएं दृष्टि दृष्टि सो देखा। कबीर साहब। बड़ा से बड़ा क्या हो सकता है? जिससे बड़ा और कुछ नहीं हो सके वह अनंत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता। एक अनंत तत्व की स्थिति अवश्य है, यह बात बुद्धि के ग्रहण में आती है। अलक अपार अगम अगोचरी नातिशु काल न कर्मा, जाति अजाति अजोनी संभव नातिशु भाव न भर्मा, साचे सचियार बिटहु कुरवाणु नातिशु रूप वर्णु नहीं रेखिया, साचे शब्द निशानु। गुरु नानक साहब। कबीर साहब, गुरु नानक साहब और गोस्वामी तुलसीदास जी, इन तीनों संतों को इधर के लोग विशेष जानते हैं। ये तीनों संत कहते हैं कि एक अनादि अनंत तत्व अवश्य है, परंतु वह अव्यक्त शरीरधारी लंबे चौड़े आकार का नहीं है। किसी आकार प्रकार का कहने से वह ससीम हो जाएगा। सब ससीमों में वह पूर्ण है और सबसे बाहर भी है। जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। कितना बाहर जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, वह एक अनादि अनंत तत्व अवश्य है। इसी का प्रचार सभी संत किए और इस सत्संग से भी इसी का प्रचार होता है। यही प्राप्तव्य है, यही ईश्वर है। यह प्रवचन पूर्णिया जिला के श्री संत मत सत्संग मंदिर शिकलीगढ़ धरहरा में दिनांक 25/11/1955 ईस्वी को अपराहन कालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।